हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिलीप प्रजापत अशार इंटीरियर। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो। आज मैं बताऊंगा कि वेस्टेज टाइल्स और वेस्टेज जो ग्रेनाइट होता है अपने घर में काम होने के बाद में जो बच जाते हैं, उसका अपन क्या कर सकते हैं। अपन उसको ऐसे ही वेस्टेज मान के फेंक देते हैं और किसी काम का नहीं आता, क्योंकि जल्दी से कोई भी अपन को सजेशन भी नहीं देता है, उसके कारण अपन को वेस्ट ही फेंकना पड़ता है। और वो कितना यूज़फुल हो सकता है अगर अपन टाइल और ग्रेनाइट जो वेस्टेज रहता है उसको लगाए, तो उसके मैं आपको फ़ायदे भी बताने वाला हूँ। तो गाइस, आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि अपन इस प्रकार से भी टाइल्स और ग्रेनाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए देखते रहिए। गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो सीमेंटेड टेरिस होती है, सीमेंटेड छत होती है, वो एक टाइम के बाद में उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका क्रैक का रीज़न यही रहता है कि सनलाइट डायरेक्ट सीमेंट पे पड़ती है और सीमेंट की वैलिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके, जिसके कारण उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाते हैं, दरार आ जाती है। उसके लिए अपना जो घर रहता है वो एक दो साल के बाद में ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और रिपेयरिंग करवानी पड़ती है अपन को। सो गाइस, इन सब मिस्टेक से बचने के लिए आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मैं आपको एक से बढ़कर एक सजेशन बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आप न्यू होम बिल्डअप करवा रहे हैं तो आप न्यू टाइल जो मंगवाते हैं उसमें से इजीली इतनी वेस्टेज टाइल निकल जाती है जो कि आप टेरिस फ्लोरिंग के लिए काम में ले सकते हैं। इसको क्रेजी बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ऑलरेडी काम हो गया है आपका घर का, एक दो साल हो गए, चार साल हो गए, पाँच साल हो गए, उसमें क्रैक आ गए हैं, तो फिर आप बाज़ार से ये टाइल्स जो रहती है वो 5 रुपये स्क्वायर फीट में, 4 रुपये स्क्वायर फीट में, इसको क्रेजी बोलते हैं, टूटे हुए पीस आते हैं, टूटी हुई टाइल जो बची हुई रहती है वो मिलती है मार्केट में, वो आप लाके यूज कर सकते हो। गाइज, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ही ब्यूटीफुल काम इससे होता है और बहुत ही सुंदर दिखती है टेरिस भी, और बहुत ही कम समय में ये काम हो जाता है। सो गाइज, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो वेस्टेज टाइल रहती है उसको क्रैक करके छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर लिया जाता है, और इसके अंदर अगर अपन भी घर में एक क्रेजी लगवाना चाहते हैं, ऐसी टाइल लगवाना चाहते हैं, तो अपने को ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अपने को डस्ट, रिवर सैंड, जो भी रहता है मार्केट में अवेलेबल, सीमेंट और टाइल, ओनली 3 चीज़ की ज़रूरत रहती है जिसको अपन लगा सकते हैं। अब बात करेंगे गाइस कि अगर क्रैक्स ज़्यादा हो, ज़्यादा भारी क्रैक्स हो, तो क्या उस टाइम भी अपन क्रेजी लगवा सकते हैं क्या, वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो गाइस, बताना चाहूँगा, अगर क्रैक नॉर्मल है, माइनर 1 mm से लेके 2 mm तक क्रैक है और ज़्यादा क्रैक नहीं है, तो अपन उन क्रैक में क्रैक फिलिंग का केमिकल रहता है, पहले उन क्रैक को मशीन की सहायता से बड़ा करेंगे और उन्हें क्रैक फिलिंग केमिकल भर के 2 coat वाटरप्रूफिंग केमिकल के अपन टेरिस पे डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा गाइस, क्योंकि ये क्रेजी कर रहे हैं, ये लगभग 3 से 4 inch थिकनेस में रहेगी स्लोप के अंदर, तो क्रैक फिलिंग करके भी अपन डायरेक्ट ये टाइलिंग का जो काम होता है वो करवा सकते हैं। गाइस, अगर अपनी टेरिस में, छत में क्रैक ज़्यादा है, तो अपन पहले क्रैक फिलिंग करेंगे, उसके बाद में 2 coat वाटरप्रूफिंग केमिकल जो भी मार्केट में अवेलेबल रहता है, शॉप वाले से कंसल्ट करके जो भी अच्छा वाटरप्रूफिंग केमिकल होता है वो अपन यूज कर सकते हैं। 1 coat वर्टिकल, 1 coat ओरिजेंटल, 1 coat आड़ा और 1 coat टेढ़ा मार के एक दिन के लिए उसको रखेंगे, फिर अपन देखेंगे पूरा टेरिस अपना वाटरप्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए छत में पानी डाल के रख देंगे। 2 दिन के बाद अगर पानी टेरिस से नीचे अगर आता है, अगर सीलन दिखाई देती है, तो अपना वाटरप्रूफिंग जो किया हुआ है वो बराबर नहीं बैठा होगा, उसी के लिए नीचे सीलन आई है। अगर सीलन नहीं आई तो वाटरप्रूफिंग केमिकल अपना अच्छे से काम कर गया है, उसके 1 वीक के बाद में अपन टाइलिंग का काम स्टार्ट करा सकते हैं, ये क्रेजी का काम स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें जो टाइल्स दिख रही है आपको छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, ये पीसेस लगाने के बाद में, टाइलिंग कंप्लीट होने के बाद में, इसमें डायरेक्ट अपन व्हाइट सीमेंट और ब्लैक सीमेंट
जो भी कस्टमर चॉइस रहती है उस हिसाब से अपन सीमेंट से ग्राउटिंग करेंगे। ग्राउटिंग होने के बाद गाइज इसकी क्यूरिंग की जाती है ताकि इसकी सनलाइट से स्टेबिलिटी बनी रहे, उसके अंदर फटे नहीं, टेढ़े नहीं। इसके लिए अपन इसकी क्यूरिंग करेंगे। सो गाइज यू कैन सी इन दिस वीडियो देर आर लॉट्स ऑफ डिज़ाइन दैट वी कैन अप्लाई ऑन टेरेस विथ क्रेजी, इट मीन्स क्रेक टाइल्स। As you can see, this is normal tiles only, and after tiling there are grouting filling. So this is look beautiful, and in the wall we can do scatting 4 inch, 6 inch, 2 inch as per site. So you can see गाइज ये जो वो वेस्टेज स्टाइल का आपको काम दिख रहा है वो अपन केवल टेरिस पे कर सकते हैं। कॉमन पाथवेज और लॉबी एरिया में अपन इसका काम नहीं कर सकते क्योंकि ये उतना ज़्यादा मजबूत काम नहीं रहता है। अगर गाड़ी समझो इसके ऊपर से जाती है तो ये टाइलिंग निकलने का डर भी रहता है और ये स्लिपी फिसलने का डर भी रहता है इस पर। इसके लिए इसको अपन कॉमन एरिया में यूज़ नहीं कर सकते, जो अपने घर के आउटसाइड एरिया रहते हैं चौकी वगैरह उस पर अपन इसको क्रेजी को यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जगह पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपन ग्रेनाइट की जो क्रेजी रहती है, ग्रेनाइट का जो वेस्टेज रहता है उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं अपन। इसकी फ़ोटोज़ आप सामने वीडियोस में देख सकते हैं, इतने शानदार शानदार तरीके से अपन इनको यूज़ कर सकते हैं गाइस। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।